हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि मैं इस प्रीवियस वीडियो में आपको जो है चैप्टर नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र की हम जो है पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया चैनल पर जाकर वो वीडियो प्लेलिस्ट में रिवीजन सीरीज के नाम से डली हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 43 मिनट की वो वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा का पूरा रिवाइज करा था, और मे भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका कोई डाउट और इश्यू नहीं होगा। गाइज, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, और बच्चों की ये दुखती नक्स है, और दुखती नक्स को पकड़ने का मजा ही कुछ और है। गाइज, बहुत ही सिर्फ जितना बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फालतू बकवास में घुसने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। पहले एक दो थोड़ी बकवास करूंगा, उसको सुन लो, बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाली है, ठीक है। इसमें आपको मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, देखो जो ये दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, गाइज सबसे बड़ी बच्चों की इसमें जो दिक्कत है ना वो है न्यूमेरिकल उनसे नहीं हो रहे हैं। वो सीधा कह रहे हैं, सर हम तो न्यूमेरिकल छोड़कर जाएंगे, थ्योरी में बताओ थ्योरी में क्या आना है। गाइज, न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आप थ्योरी से अच्छा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। थ्योरी में आपके मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे, बट न्यूमेरिकल में आपको पूरे चांस मिलने के चांसेस हैं, और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। गाइज, मैं इसके अगली वाली जो चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा उससे वाला आपको इतना ही पढ़ना है, और इस चैप्टर का लिंक भी उसी में ही है, ठीक है। आपको ये पहले समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपको अगला वाला भी समझ आएगा। और इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर ये 2 है, इस चैप्टर के अंदर आपको कोई ये फालतू बकवास नहीं पढ़नी है कि भाई ये एमपी क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, कारक लागत क्या कारक है, ये एमपीएफसी, ये गाइड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फालतू जगह पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना कि आपका एग्जाम के लिए जरूरी है। आप जो है मार्क्स की टेंशन ना लीजिए, 90 प्लस आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी ए, जीएनपी वो, नेट, ग्रॉस, ये आप इसे फालतू बकवास में ना पढ़िए, ठीक है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कराने हैं, एक से एक न्यूमेरिकल आप यू चुटकियों में कर लोगे, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो बकवास बहुत हो गई है, हम मुद्दे पर आते हैं कि आज हमें जो है क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो गाइज हमें पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए जो आपका चैप्टर है पूरे 2 में डिवाइड हुआ है, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, और दूसरा राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय आखिर क्या है, क्या दिक्कत है। ये 1 मार्क में भी आ सकता है आपसे, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है 1 मार्क में, बहुत बारी आया भाई आपका क्वेश्चन। तो पहले ही क्या कहना है, इसकी थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। कह रहे, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। गाइज, ये जो कह गया आपके बहुत ही ऊपर से क्या होगा, इतना तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना है गाइज, 3 वर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं। कह रहे, राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि में आपको पहले भी बता चुका हूँ किसको कहते हैं, वो वाला वर्ष जिसमें हम जो है कह सकते हो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, या एक अकाउंटिंग ईयर को भी कह सकते हो आप लेखा वर्ष, ठीक है जी। अच्छा, तो कह रहे हैं एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। गाइज, अगर आपको यहाँ पे 2 वर्ड अच्छे से समझ में आ गए ना कि कारक आय और सामान्य निवासी, ये दोनों आपस में क्या दिक्कत होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम भाई इन दोनों को जोड़ दें तो भैया उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसने अर्न करी और कहां पर अर्न करी, अगर ये 2 चीजें आपको गाइज समझ में आ गई ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर राष्ट्रीय आय और घरेलू आय आखिर क्या दिक्कत होती है। तो आपको गाइज पहले तो आय समझनी पड़ेगी, आय कितने तरीके की होती है। गाइज, एक होती है कारक आय, ठीक है, इसको आप कारक भुगतान भी कह सकते हो। एक होती है हस्तांतरण आय, इसको आप हस्तांतरण भुगतान भी कह सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने से प्रीवियस वीडियो में आपको 2 सेक्टर बताए थे, एक परिवार एक उत्पादक, कि परिवार क्षेत्र के पास क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि ये क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को देता है। उत्पादक क्षेत्र से वस्तु और सेवाएं का निर्माण करता है, और वो वस्तुएं सेवाएं उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, परिवार क्षेत्र को देता है। अब परिवार क्षेत्र जब वस्तुएं सेवाएं खरीदता है तो बदले में इसको क्या करता है, पेमेंट करता है, और फिर ये क्या करता है, जो इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसने उधार में लिए थे, वही पैसे जो इसके पास आते हैं वो इसको परिवार क्षेत्र को पकड़ा देता है, ठीक है। परिवार क्षेत्र के पास भूमि श्रम पूंजी उद्यम होता है, और उत्पादक क्षेत्र इनको बदले में क्या देता है, किराया ब्याज लाभ मजदूरी ये देता है, ठीक है। तो गाइज ये जो है ना, ये
ये क्या कहलाता है गाइज? जैसे भूमि में क्या मिलेगा? किराया, पूंजी पे ब्याज मिलेगा, श्रम पर मजदूरी मिलेगी, उद्यम में लाभ मिलेगा। तो गाइज ये क्या कहलाते हैं? ये जो चारों है ना गाइज, ये आपको कहलाते हैं कारक आय। क्या कहलाते हैं? ये कारक आय। क्यों गाइज ये कारक आय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि गाइज ये क्या है? ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो गाइज अब मैंने यहाँ पे बोला कारक आय को कारक भुगतान भी कहते हैं। गाइज अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परिवार क्षेत्र के लिए, तो इस पर्सन के लिए इनकम है ये चारों के चारों। भाई जब ये इसको देगा तो इस पर्सन के लिए ये चारों के चारों इनकम है, लेकिन ये पर्सन पेड करेगा तो इसके लिए क्या है वो? इसके लिए वो कारक भुगतान है। ठीक है, अच्छा जी। तो गाइज इसके लिए तो ये कारक भुगतान है और इसके लिए ये कारक आय है। तो ये क्या कह रहा है? ये वाली जो इनकम होती है ना, ये होती है कारक आय। दूसरी होती है हस्तांतरण आय। हस्तांतरण कौन सी होती है? क्या यह एक पक्षीय भुगतान है, जैसे दान, नगद उपहार, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन आदि। गाइज वो सारी इनकम जिसके बदले में रिसीवर को बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ता, वन साइडेड पेमेंट, वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, उसको जो है हम हस्तांतरण आय कहते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में हम हस्तांतरण वाले को नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं हम? कारक आय को। क्योंकि उसने डेफिनेशन में क्या बोला, पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई सामान्य हमें मैंने बोला सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। तो पहले तो हमने ये पढ़ ली कारक आय क्या होती है, ये जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जो परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को दिए हैं, और उत्पादक क्षेत्र बदले में किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी जो दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कारक आय। ठीक है, अब हमें दूसरा वर्ड जो पढ़ना है गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सामान्य निवासी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय एक नंबर में आपका आ सकता है, हस्तांतरण आय हजार बारी आपके एग्जाम में पूछी गई है कि भैया हस्तांतरण आय क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। वो इनकम जिसको जो है वन साइडेड पेमेंट होती है, जिसके बदले में रिसीवर को कुछ भी नहीं देना पड़ता, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय में केवल जो है कारक आय को शामिल किया जाता है। अच्छा जी, ये बात आ गई बहुत ही अच्छे से समझ में। ठीक है गाइस, एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। अब दूसरा वर्ड हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ये सामान्य निवासी कौन होता है। गाइस ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है सामान्य निवासी का। आधा टाइम जो हमारा वेस्ट होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है कि सामान्य निवासी आखिर क्या दिक्कत होते हैं। बट बहुत ही इजी मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा बकवास डीपली नहीं घिसना है यहाँ पर। गाइस सबसे पहले तो आपको नागरिक पता होना चाहिए कि नागरिक किसको कहते हैं। नागरिक गाइस उसको कहते हैं जहां पर हम जन्म लेते हैं ना, सिंपल से शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो, जहां पर हम जन्म लेते हैं, जहां पर हम पैदा होते हैं, वहां के हम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जहां पर हम जन्म लेते हैं, जहां पैदा होते हैं, वहां के हम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है जी, ये बात आ गई हमारी समझ में। अब हमें ये पढ़ना है कि सामान्य निवासी आखिर कौन होता है। क्या बोला मैंने? हमें ये पढ़ना है कि सामान्य निवासी कौन होता है। देखो क्या कह रहा है, पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पे पढ़ते हैं। कह रहा है भाई एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारण संबंधित देश में निवास करता है और जिसकी आर्थिक रुचि का केंद्र उसी देश में केंद्रित होता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या कह गया, हजार बारी आपका ये एग्जाम में पूछा गया है, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसकी वजह से मुझे इस चैप्टर पर वीडियो बनानी पड़ी है, ये हजार बारी आपके एग्जाम में आए हुए है। गाइस इसमें ये बोल रहा है कि वो पर्सन जिसकी आर्थिक रुचि का केंद्र, कह रहा है जिसकी आर्थिक रुचि का केंद्र जो है उसी देश में होता है जहां पर वो रह रहा है। गाइस ये आर्थिक रुचि क्या होती है? आर्थिक रुचि का मतलब होता है कि भैया उसका खाना पीना रहना सोना सब कुछ भैया उसी उत्पादन, उपभोग, निवेश। आर्थिक रुचि का मतलब होता है गाइस, इसके अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, उत्पादन, उपभोग, निवेश, मतलब सब कुछ जो है वो भैया उधर ही कर रहा है जिधर रह रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं आर्थिक रुचि गाइस। ठीक है, तो वो पर्सन उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। ठीक है, एक देश का सामान्य निवासी वो पर्सन है जिसकी आर्थिक रुचि का केंद्र उसी देश में है जहां पर वो रह रहा है। बट गाइस वो पर्सन जिसकी आर्थिक रुचि का केंद्र उस देश में नहीं है, ठीक है, अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं, हमारी आर्थिक रुचि का केंद्र वहां पर नहीं है, तो गाइस वो गैर निवासी या इसको अनिवासी भी आप कह सकते हो।
अगर भाई हमारा आर्थिक रुचि, हम उत्पादन, उपभोग, निवेश रहते कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, हम इंडिया के अंदर भारत के अंदर करते हैं, तो गाइज हम भारत के सामान्य निवासी हैं। हम कौन है? भारत के सामान्य, हम अमेरिका में तो नहीं करते ना, हमें अमेरिका में आर्थिक रूप, हम उत्पादन, उपभोग, निवेश हम अमेरिका में थोड़ी करते हैं, हम तो भारत में करते हैं, तो हम भारत के क्या कहलाएंगे? भारत के सामान्य निवासी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस देश में नहीं है, हम वहां के क्या है, हम उन वहां के लिए गैर निवासी है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात तो हमें आ गई समझ में कि सामान्य निवासी और गैर निवासी कौन होता है। तो अब उन्होंने नेशनल इनकम में क्या बोला कि सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित, ये जितनी भी इनकम अर्न करेंगे ना गाइस, ये वाले, ठीक है, ये जितनी भी इनकम अर्न करेंगे उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, ना कि ये वाले जिस पर्सन का आर्थिक रुचि देश में नहीं होती उसको अनिवासी या गैर निवासी कहते हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है गाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दो तरीके के पर्सन हो रहे गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है साधारण निवासी और यहाँ पर मैंने लिखा है असाधारण निवासी। ठीक है, तो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा गया है एक बारी के असाधारण निवासी जो है कौन होते हैं। कह रहा है एक देश में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का साधारण निवासी माना जाता है। कह रहा है एक वो पर्सन जो किसी देश में एक साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वहां पर निवास कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो उस देश का जो है साधारण निवासी माना जाएगा। ठीक है, अगर वो एक साल से कम पीरियड के लिए रह रहा है तो वो कह सकते हो असाधारण निवासी है। ठीक है, तो अगर मोटे मोटे रूप में अगर हम बात करें तो एक देश का सामान्य निवासी कौन माना जाता है गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले तो ये देने की है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने बोला नागरिक। नागरिक का क्या मतलब होता है कि जिस देश के अंदर हम पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वहां के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा गाइस कोई जरूरी नहीं है कि हम जाके नागरिक हूं वहीं के सामान्य निवासी भी हूं। मान लीजिए मैं इंडिया का, मैं भारत का नागरिक हूं क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट जो है, मेरी आर्थिक रुचि अमेरिका में है, तो मैं अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। तो देखो मोटे रूप में अगर हम बात करें, जैसे हम है एक वो पर्सन जो भाई सामान्य निवासी कौन कौन आते हैं, चार पांच कैटेगरी है। देखो सबसे पहले तो गाइस, पहले तो वो जो एक देश के नागरिक है उसी देश में रहते हैं और उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र भी उसी देश में होता है, जैसे कि हम लोग। ठीक है, जैसे भाई एक रोहित है, ठीक है, एक कंट्री में रहता है, यहीं का नागरिक है और यहीं का सामान्य निवासी है, तो भाई ये पर्सन कौन कहलाएगा, ये सामान्य निवासी कहलाएगा। ये जितनी भी कारक आय अर्न करेगा राष्ट्रीय आय में इसको एड किया जाएगा। दूसरा कौन है, ये यहीं का नागरिक था, रोहित यहीं का नागरिक है भारत का ही, और भारत में ही इसकी आर्थिक रुचि है। अब दूसरे केस ले लो, दूसरे में जो रोहित है, मैं नागरिक हूं अमेरिका का लेकिन मेरी आर्थिक रुचि इंडिया के अंदर है, मैं यहीं पे उत्पादन, उपभोग, निवेश यहाँ पे करता हूँ, तो मैं भी जो है भारत का सामान्य निवासी माना जाऊंगा, मैं जितनी भी इनकम अर्न करूंगा वो मेरी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो दो पर्सन तो ये हो गए कि नागरिक चाहे इंडिया का हो या नागरिक बाहर का हो, अगर आर्थिक रुचि भारत में है तो भैया वो यहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब गाइस होता क्या, जैसे मान लो भारत के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है बाहर के देश के, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड बैंक है या आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो जितने भी बाहर की मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर और उसमें हमारा कोई पर्सन काम कर रहा है, तो भाई वो भी हमारे देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। क्या बोला मैंने, एक वो पर्सन जो भारत के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर कोई इंडिया का वर्कर काम कर रहा है तो भैया उसको क्या कहेंगे, वो भी हमारा सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है जी, अच्छा और वो पर्सन कह रहा है मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, फोर्थ केस में मान लीजिए मैं हूं और मैं जो है अमेरिका में जाता हूं, ठीक है, लेकिन एक साल या उससे कम पीरियड के लिए अमेरिका में जाता हूं, मेरी आर्थिक रुचि भारत में ही है लेकिन मैं अमेरिका जाता हूँ कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन मेरी आर्थिक रुचि भारत में ही है और अमेरिका में मैं जाता हूँ तो एक साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए, तो गाइस तब भी मैं जो है सामान्य निवासी माना जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। तो भैया राष्ट्रीय क्या है कि जो सामान्य निवासी जितनी भी कारक आय अर्जित करते हैं, सामान्य निवासी पता चल गया, कारक आय पता चल गया, जितनी भी इनकम अर्न करेंगे उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो बहुत ही सारे बच्चों ने मेरे से जो क्वेश्चन पुट अप करा है वो ये है कि भैया ये बताओ ये दूतावास क्या होता है। गाइस ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि ये दूतावास आखिर क्या दिक्कत होती है।
भाई मैं आपको क्लियर कट शॉर्टकट में बता दूं ना, वैसे अगर आपको समझ नहीं है तो वैसे इसका मैं बताऊं, अगर भाई आने का नहीं है ठीक है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसका कोई यूज भी नहीं है ठीक है, नॉलेज के लिए आपको लेकिन पता होना चाहिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम ज्यादा उसमें डीपली नहीं घुस रहे हैं, तो ये वैसे आएगा नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो दूतावास को ठीक है। अच्छा अब हमने ये पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय सामान्य निवासी कौन है और भैया साधारण निवासी कौन है, घरेलू आय क्या सॉरी आपका फैक्टर इनकम क्या होती है और हस्तांतरण आय क्या होती है, ये सारी दिक्कतें पता कर गई और एक एक नंबर के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर गाइस, अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या है जी, ये कह रहे आय की घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणा, डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है। गाइज ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक एक मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें पूछ लिए जाते हैं कि घरेलू आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है और घरेलू आय राष्ट्रीय आय में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज, दोनों ही चाहे वो घरेलू आय हो चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, दोनों ही कारक आय का जोड़ होती है ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में हम अभी पढ़ ही चुके हैं ठीक है, लेकिन अपन थोड़ी घरेलू आय की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो घरेलू आय में आपको क्या लिखना है कि एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई हो या गैर निवासियों द्वारा। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पर कह गया, यहाँ पर आपको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई हो या गैर सामान्य गैर निवासियों द्वारा, मतलब यहाँ पर क्या है कह रहा है वो एक घरेलू सीमा में सर्जित होनी चाहिए। गाइज कारक आय ये भी कारक आय का ही जोड़ है, कारक आय क्या है, किराया ब्याज लाभ मजदूरी। गाइज हमने राष्ट्रीय आय में क्या पढ़ा, राष्ट्रीय आय में हमने पढ़ा कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, कह रहा है चाहे वो घरेलू सीमा में अर्जित की गई हो या इसके बाहर। गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, देखो ये किस चीज को इंक्लूड करता है, ये कह रहा है कि भाई कारक आय जो है अर्जित होनी चाहिए, क्या कह रहा है कारक आय अर्जित होनी चाहिए घरेलू सीमा में, किसमें घरेलू सीमा में, अब उसको चाहे सामान्य वाला अन करे या गैर निवासी वाला अन करे, चाहे सामान्य हो या गैर निवासी हो, अगर ये दोनों पर्सन कारक आय अर्जित कर रहे हैं वो भी घरेलू सीमा के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम घरेलू आय ठीक है। अच्छा और राष्ट्रीय आय क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय आय जो है वो भी कारक आय का जोड़ है, लेकिन कह रहा है भाई सामान्य निवासी वाला द्वारा अर्जित करनी चाहिए, लेकिन इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घरेलू सीमा में अर्जित की गई हो या उसके बाहर अर्जित की गई हो, अर्जित जो होनी चाहिए वो सामान्य निवासी द्वारा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे मोटे मोटे रूप में अगर हम देखें, ये किस चीज को इग्नोर कर रहा है, ये इग्नोर करता है कि भले ही सामान्य वाला करे या गैर निवासी करे मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी कारक आय अर्जित हो रही है वो घरेलू सीमा में अर्जित होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चाहे घरेलू सीमा में हो या उसके बाहर हो, मैं कारक आय अगर किसने अन करी है, सामान्य वाले ने, अगर इसने अन करी है तो मैं इसको जोड़ दूंगा, मैं किसको नहीं जोड़ूंगा, मैं उस इनकम को नहीं जोड़ूंगा जो गैर निवासियों ने अर्जित करी है। राष्ट्रीय आय गैर निवासी जितनी भी कारक आय अर्जित करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करता, लेकिन जो घरेलू आय है, घरेलू आय किसको नहीं इंक्लूड करता, जो हम घरेलू सीमा से बाहर, जो हम घरेलू सीमा से बाहर इनकम अर्न करते हैं, कारक आय जो अर्न करते हैं घरेलू आय, उसको इंक्लूड नहीं करता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का, घरेलू आय राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, और ये डेफिनेशन भी आपकी 1-1 मार्क में आ जाती है। अच्छा मे भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आते हैं मुद्दे पर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है गाइस, घरेलू सीमा। आपकी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन 1000 बारी पूछा गया है कि भैया एक देश की घरेलू सीमा जो है क्या होती है। गाइज एक देश की घरेलू सीमा आपके जो है क्या कहते हैं ट्यूशन वगैरह में या स्कूल वगैरह में आपको क्या बताया गया कि भाई क्या कहते हैं, पहले देखो पहले किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कह रहे हैं एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है, इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया के उस क्षेत्र से है जो घरेलू आय का सर्जन करता है। अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो 1 मार्क में तो आपको लिखनी यही है ठीक है। अब ये बोल कह रहे हैं तो आपके ऊपर से चला गया होगा, तो मुझे पता ही है ठीक है। आपके आपके स्कूल में क्या बताया होगा, आपके स्कूल में ये बताया होगा कि भैया ये लो ये हो गई एक बॉर्डर ठीक है जी,
और जी इसके अंदर जी जितना अर्न करेंगे वो हमारी घरेलू सीमा है गाइज, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। जो घरेलू सीमा वर्ड है ना गाइस, वो बहुत ही वाइडर टर्म है ठीक है। उसको उसको जो है ये इसको राजनीतिक सीमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक सीमा। गाइस घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से बहुत ही बड़ा वर्ड है। घरेलू सीमा का है क्या मतलब गाइस? घरेलू सीमा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए देखो होता क्या क्या, हम कहाँ कहाँ से इनका मन कर सकते हैं, जितने भी हमारी सामुद्रिक सीमा जो होती है, हवाई जहाज वगैरह होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, वायु जो एयरप्लेन वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीजें, चार चीजें ध्यान रखनी है, समुद्र, हवाई जहाज, मछुआरे, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है गाइस, वो हमारे सामान्य निवासी जो दूसरे देशों में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, या जो हमारी शिप्स होती हैं, ये क्या होती है, जापान और कोरिया में चलती है और इंग्लैंड और कनाडा में भी एयर इंडिया के जो है वो चलते हैं, एयरक्राफ्ट कह सकते हो, हवाई जहाज कह सकते हो, ये चलते हैं, तो भाई वो भारत की ही घरेलू सीमा मानी जाएगी ठीक है। या ये कह सकते हो कि भाई वो जो होते हैं क्या कहते हैं, मछली पकड़ने के जो मछुआरे वगैरह होते हैं, तो जो मछुआरे हैं वो हिंद महासागर में कह सकते हो, हिंद महासागर में हमारे चलते हैं, तो वो भारत की जो है घरेलू सीमा में मानी जाती है। तो गाइज ये कोई ये इतना वो नहीं है कि लो जी ये सर्कल है, इसके अंदर अंदर जाना है और इसके बाहर नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक मार्क का आएगा ये, तो अगर डीपली नहीं घुसना है तो केवल इतनी बकवास आप इसके अंदर लिख कर आ सकते हो। अच्छा तो अगर मैं इसमें डिफरेंस आ जाता है गाइज, तो अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है तो एक तो अर्थ लिख दोगे आप ठीक है, और ये भी लिख दोगे कि भाई ये इसको जोड़ता है, ये इसको नहीं जोड़ता, ये किसको, और ये सारा दो तीन पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट गाइज ये भी लिख सकते हो जो घरेलू आय है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है। घरेलू आय जो है वो कैसे निकलती है, राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ठीक है। ये भी क्या है, ये आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, अगर अंतर आ जाएगा तो आपको बस ये लिख कर आना है। और राष्ट्रीय कैसे निकलती है, अब ये जो माइनस होएगा ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो भैया राष्ट्रीय कैसे निकलेगी, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ठीक है। गाइस इसको जो है NFIA कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ये क्या होता है गाइस, क्योंकि देखो NFIA क्या होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो NFIA कैसे निकलता है, विदेशों से प्राप्त कारक आय और उसमें से माइनस कर देते हैं विदेशों को दी गई कारक आय ठीक है। तो गाइस देखो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये NFIA क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये बच्चों का। गाइस हमने क्या पढ़ा कि जो घरेलू आय है, घरेलू आय वाला क्या करता है, गैर निवासियों वाला भी अपनी इसमें इंक्लूड कर लेता है ठीक है, कि जो गैर निवासी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन एक घरेलू सीमा में, एक घरेलू सीमा से बाहर जितनी भी अर्न कर रहे हैं विदेशों में, उसको इंक्लूड नहीं करता। तो गाइस सबसे पहले घरेलू आय ही निकलती है, घरेलू आय ही राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट होती है। तो अगर मुझे घरेलू को राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या करता है, तो गैर निवासियों को नहीं जोड़ता लेकिन घरेलू में जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर गैर निवासी वाली घटानी पड़ेगी ठीक है। लेकिन और ये किसको नहीं जोड़ता, कि जो घरेलू सीमा से बाहर अर्जित करी है, लेकिन ये जोड़ता है, तो इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो गाइस उसी चीज को जो है NFIA कहते हैं, कि जितनी भी हमने विदेशों से बाहर जितनी भी गैर निवासियों ने अर्जित करी है उसको जितनी भी दी वो घटा दें, उसको NFIA कहते हैं। जब हम गाइस घरेलू आय के अंदर NFIA को जोड़ देते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाती है। तो अगर घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अगर गाइस अंतर आ जाता है तो आप जो है ये सारी बकवास लिख सकते हो, और इसके चांसेस ज्यादा हैं 3 से 4 नंबर में आने के ठीक है जी। मे भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। अच्छा अब आते हैं अगली बकवास पर गाइस। देखो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो है ये MP ये FC इसमें घुसने की कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ये कुछ भी नहीं आने वाला है ठीक है। यहाँ पे टाइम ना बर्बाद करें तो ज्यादा ही अच्छा है ठीक है। जो आएगा मैं आपको वो ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा फालतू डीपली घुसने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल कैसे चुटकियों में सॉल्व होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। जितने भी कोई सा न्यूमेरिकल निकाल लेना, बच्चे धड़ाधड़ में भाई साहब 500 प्लस चैट हो गई, तो भाई ये वाला मेरे से ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं गाइस, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि भाई ऐसे सॉल्व करने आपको न्यूमेरिकल, सिर्फ आप उसी रास्ते पे चलिएगा। आप किसी भी, चाहे वो उत्पाद विधि का हो, चाहे विधि का हो, चाहे किसी भी व्यय विधि का हो, कोई भी विधि हो गाइस, आप यू न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं मुद्दे पर।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं गाइस, ये है मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी, क्योंकि ये एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। इस पे गाइस इस पे अंतर भी आ जाता है, ठीक है, और इस पे ये 1-1 मार्क का भी आ जाता है कि मौद्रिक जीडीपी किसको कहते हैं और वास्तविक जीडीपी किसको कहते हैं, ठीक है, और इस पे आपका क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, तो ये पढ़ना आपके लिए गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भैया मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी आखिर क्या होती है गाइस? जो जीडीपी का जो अनुमान होता है, जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, वो दो तरीके से हो सकती है गाइस। एक होती है चालू कीमतों पर और एक होती है स्थिर कीमतों पर। क्या बोला मैंने? जो जीडीपी की कैलकुलेशन है वो चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर दो से हो सकती है, ठीक है, करंट प्राइस पर और एक इस पे स्थिर कीमत फिक्स प्राइस पर, ठीक है, बेस वाले पे, बेस ईयर पे। तो गाइज होता क्या है, अब हमने यहाँ पे दो तरीके की पढ़ी है, कह रहा है मौद्रिक और वास्तविक। कह रहा है मौद्रिक जीडीपी कौन सी होती है, कह रहा है जब जीडीपी का आंकलन हम चालू कीमतों पर करते हैं तो भैया उसको मौद्रिक कहते हैं, और जब जीडीपी का आंकलन हम स्थिर कीमतों पर करते हैं तो उसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको समझने की चीज है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंस भी आ सकता है और इसपे शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है। गाइस जो मौद्रिक जीडीपी की जो इक्वेशन होती है वो होती है क्यू स्टार इंटू में पी। अब मैंने गाइस यहाँ पे क्यू स्टार क्यों लगाया है, गाइस मैंने यहाँ पे क्यू स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि मौद्रिक जीडीपी में क्या होता है, कह रहा है मौद्रिक जीडीपी केवल तभी चेंज हो सकती है जब केवल प्राइस में चेंज आएगा। गाइस मौद्रिक जीडीपी में क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स रहती है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से जीडीपी फ्लक्चुएट होती है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, आगे ग्रेजुएशन तक आपका काम आने वाला है। मौद्रिक जीडीपी में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स रहती है। अब यहाँ पे भाई इस इक्वेशन से क्या शो कर रहा है, ये तो चीज फिक्स रहेगी, अब इसमें चेंज हो सकता है। गाइज मौद्रिक जीडीपी चेंज तभी होती है जब प्राइस में चेंज आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2004 और 2005 में हमारे पास दो वस्तुएं थी, गेहूं और चीनी, ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी 20 और 5, कीमत कितनी थी 100 और 500, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो जीडीपी है 20 × 100 2005 × 500 25, तो हमारी जीडीपी 2500-4500 रुपए दिखा रहा था, ठीक है, अच्छा। लेकिन गाइस 10 साल बाद 13-14 में अब हुआ क्या, वही वस्तुएं हैं गेहूं, क्वांटिटी फिक्स है 20 और 5, लेकिन प्राइस चेंज हो गए, पहले 100 था अब 1000 हो गया, और ये 500 था अब 1600 हो गया, देन जीडीपी कितनी हो गई 28000, जीडीपी बढ़ी, लेकिन गाइस क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी पहले भी 20 टन और 5 टन थी, अब भी 20 टन और 5 टन है, लेकिन जो जीडीपी में ये जो इंक्रीमेंट दिखा रहा है किसकी वजह से दिखा रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से दिखा रहा है। तो गाइस ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी में जो मौद्रिक वृद्धि का कोई भी महत्व नहीं होता, इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती है। गाइस होता क्या है, जीडीपी में वृद्धि, अगर देखो अभी आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा, आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि वास्तविक कौन सी होती है। अब देखो वास्तविक अगर केवल एक एक लाइन का एक मार्क्स का आएगा तो आपको केवल इतना ही लिखना है, ठीक है, अगर ज्यादा नंबर का आएगा तो आप ये सारी बकवास लिख कर आ सकते हो इसके अंदर, और डिफरेंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको घोल कर पी जाना है। वास्तविक जीडीपी किसको कहते हैं गाइस, जैसे कह रहे हैं स्थिर कीमतों पर जीडीपी के आंकलन को वास्तविक कहते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन होती है ये, तो यहाँ पर आप अब समझ ही गए होंगे, यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर प्राइस फिक्स रहता है और क्वांटिटी में चेंज आता है, मतलब अगर जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी अगर घटेगी तो वो क्वांटिटी की वजह से जो है वो बढ़ती है या घटती है, प्राइस की वजह से यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता। तो मान लीजिए वही एग्जांपल है, 20 टन 5 टन 100 500 पहले 4500 थी, लेकिन अब की बार जो चेंज आया गाइस, अब की बार क्वांटिटी की, पहले जो 20 टन था वो 30 हो गया और जो 5 टन था वो 10 हो गया, प्राइस अब की बार वही है और हमारी जीडीपी बढ़ गई 8000। गाइस इसका क्या मतलब है, क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से जीडीपी में इंक्रीमेंट हुई है। तो गाइस जब जीडीपी में इंक्रीमेंट होती है क्वांटिटी की वजह से, मतलब जब वास्तविक जीडीपी में जब चेंज आता है ना गाइस, तो इसका क्या मतलब होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रति व्यक्ति अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट हो रही है, कि भाई जिसको पहले वस्तु और सेवाएं नहीं मिल रही थी उसको अभी मिल रही है, या जिसको पहले कम मिल रही थी अब उसको ज्यादा मिल रही है। गाइस ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हर गवर्नमेंट का जो वो रहता है, उद्देश्य रहता है, वो वास्तविक जीडीपी को बढ़ाना होता है, ना कि मौद्रिक जीडीपी को।
मौद्रिक जीडीपी बढ़ाने से गाइस कोई भी फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ती है, उससे तो प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से जो है आपकी जीडीपी में इंक्रीमेंट दिखा रहा है, और उसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व किसका होता है? महत्व होता है वास्तविक जीडीपी का, क्योंकि इससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज प्रति व्यक्ति बढ़ते हैं, या पहले जिसको नहीं मिल रहे थे अब उनको मिलने लगते हैं, या जिसको कम मिल रहे थे अब ज्यादा मिलते हैं। इसलिए गाइस वास्तविक जीडीपी का स्तर जितना ऊंचा होगा, देश के निवासियों को वस्तुओं तथा सेवाओं की उतनी अधिक मात्रा उपलब्ध होगी। इसका निहितार्थ ये है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। वास्तविक जीडीपी आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक है। गाइस ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये एग्जाम में पूरी की पूरी ये लिख के आ सकती है कि वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का एक बेहतर सूचकांक क्यों माना जाता है। तो इसमें आपको ये सारी के सारी बकवास लिख कर आ जानी है जो मैंने अभी आपको बोली है कि भैया इससे क्या होता है, वस्तुएं और सेवाएं प्रति व्यक्ति जिसको पहले नहीं मिल रही थी उसको मिलने लगती हैं, जिसको पहले कम मिल रही थी उसको अब ज्यादा मिलने लगती हैं, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेटर से बेटर होता है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। और भैया हर सरकार का जो है ये उद्देश्य रहता है कि वास्तविक जीडीपी में जो है इंक्रीमेंट की जाए। ठीक है, ये गाइज आपको घोल कर पी जाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। ठीक है जी, अब जरा थोड़ी सांस लेने दो, अब बात करते हैं मुद्दे पर, थोड़ा सा और बचा है बस ये। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है गाइज कि अगर इसमें अंतर आ जाता है तो क्या करना है आपको। अंतर गाइज इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो मौद्रिक जीडीपी है उसे चालू कीमतों पर जीडीपी भी कह सकते हो, जो वास्तविक है उसको स्थिर कीमतों पर जीडीपी कह सकते हो। गाइज इसको नॉमिनल कहते हैं और इसको रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा है बस उसी को आपको लिख देना है कि भाई चालू कीमतों पर जीडीपी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है, बस। ठीक है, और स्थिर कीमतों पर जीडीपी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। यहाँ तक तो गाइस सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक लाइन चेंज कर देनी है, जिसका अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाता है, और यहाँ पे जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है, जिसको स्थिर कीमत कहते हैं। ठीक है, चालू कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि तभी हो सकती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि कीमत स्तर में वृद्धि होती है। मतलब जब प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जीडीपी में चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर कह रहा है स्थिर कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि केवल तब होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं में वृद्धि होती है। इसका फायदा होता है, इसका फायदा, और भी पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें गाइस, इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिख कर आने हैं। आप इसमें 2 पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो भैया स्क्रीनशॉट खींच लो, काम आ जाएगा। और क्या क्या लिख सकते हो आप, जो पीछे मैंने इक्वेशन बताई थी इसकी वो लिख सकते हो कि भाई मौद्रिक जीडीपी की इक्वेशन ये है, वास्तविक जीडीपी की इक्वेशन ये है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो कि ये बेहतर सूचकांक नहीं है लेकिन ये बेहतर सूचकांक है, ये भी लिख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें बहुत ही अच्छे से लिख कर आ सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको 3 मार्क का अगर आए और 4 पॉइंट आप लिख कर आओगे तो बहुत ही इजीली आपको इसमें 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क में इसके चांसेस ज्यादा तो है ही, लेकिन 3 से 4 मार्क्स में भी इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है आने के। ठीक है जी, अच्छा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है गाइज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर गाइज क्या होता है? गाइज इस पे आपका न्यूमेरिकल भी कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। गाइज अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि हमें जो जीडीपी चाहिए होती है ना वो रियल वाली चाहिए होती है, वास्तविक, क्योंकि हमारे को वास्तविक जीडीपी का ही काम है। ठीक है, हमें जो है मौद्रिक जीडीपी का कोई काम नहीं होता। तो गाइज अगर आपको मौद्रिक जीडीपी दे रखी हो तो उसको वास्तविक जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको जो है वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं वो भी हमें पढ़ना है। गाइस जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या बताता है, कह रहा है इसका अभिप्राय चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात से है। ये कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। कह रहा है वास्तविक और मौद्रिक, रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी दोनों के बीच का अनुपात है, और प्राइस में चेंज होने से जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ उसको जो है जीडीपी डिफ्लेटर जो है क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर उस चीज को मेजर करता है कि प्राइस में चेंज आने से आपकी जीडीपी में कितना जो है चेंज हुआ।
ठीक है। जैसे आपने अगर इंडेक्स नंबर वाला अगर गाइस आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंडेक्स नंबर का एक वो है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एक मार्क का ही आता है गाइस, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, चालू कीमतों पर जीडीपी जिसको मौद्रिक कहते हैं, और ये स्थिर कीमतों पर मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया एक नंबर का। लेकिन गाइस अभी आपका एग्जाम में क्या हुआ, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया इसके ऊपर तीन नंबर का। तो गाइज उसमें आपको क्या करना था, उसमें आपको चेंज करना था जैसे मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, क्योंकि हमें तो वास्तविक का ही काम है, हमें मौद्रिक का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो भैया कैसे चेंज करते हैं ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखो जो मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला है, वास्तविक जीडीपी का क्या फॉर्मूला है, चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन में चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इनटू में 100। अब ये गाइज ये क्या दिक्कत होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2004 में जीडीपी जो है वो 100 करोड़ थी, ठीक है, और 2014 में चालू की ये कितनी थी, ये 200 थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बिल्कुल दे रखा था ऐसे ही कि 2004 में जीडीपी कितनी है 100 और 2014 में जीडीपी कितनी है 200, ये जो है, और ये जो जीडीपी है ये चालू कीमतों पर है, किस पर है, चालू कीमतों पर, ठीक है। अच्छा जी चालू कीमतों पर कौन सी, पता ही चल गया होगा आपको, मौद्रिक वाली। अच्छा तो कह रहे हैं यदि कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक जो है वो जो है मान लीजिए प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स अगर 100 से 400 हो जाए, प्राइस इंडेक्स अगर 100 से बढ़कर 400 हो जाता है तो हमें जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस फॉर्मूले में पुट अप कर देना है, चालू कीमतों पर जीडीपी, चालू कीमतों पर जीडीपी कितनी है 200, तो ये आ गया 200 इधर, चालू वर्ष का कीमत सूचकांक, चालू वर्ष का कीमत सूचकांक कितना है 400, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस 50, कितना आ जाएगा 50, बस इतना सा करना था, तीन मार्क का आया था ये आपका। तो ये आपको कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके चांस अभी भी हैं आने के, तीन मार्क का क्वेश्चन ये आपका आ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अब एक छोटी सी बकवास और रह गई है, बोर मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बोर हो गए ना तो भैया कल्याण हो जाएगा आपका, वैसे ही कुछ पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर भैया कल्याण है। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है और जो आपको घोल कर पी जाना है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखो गाइस अब हमें पढ़ना है जीडीपी तथा कल्याण, जीडीपी तथा कल्याण जो है क्या होता है गाइस। गाइस कल्याण का मतलब होता क्या है, कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर, ठीक है, समाज का कल्याण कह सकते हो। गाइस होता क्या है, कह रहा है इसका अभिप्राय लोगों के भौतिक सुख सुविधाओं से है, ये अनेक आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक किसको कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, उपभोग का स्तर आदि, और गैर आर्थिक कारक किसे कहते हैं, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सामाजिक अशांति आदि, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्थिक कारक। कह रहे दोनों के योग को सामाजिक कल्याण कहा जाता है, ठीक है। गाइस होता क्या है, कह रहे पहले कल्याण का मतलब आपको पता होना चाहिए, कह रहे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, लोगों के भौतिक सुख सुविधाओं से, कह रहा है जो लोगों का भौतिक फिजिकली लोग कैसे रह रहे, किन सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, उसको हम जो है उसको कहते हैं कल्याण, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो सुख सुविधाएं जो है लोगों की दो चीजों पर डिपेंड करती है, आर्थिक और गैर आर्थिक, ठीक है। आर्थिक में किसको कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी है, उपभोग का स्तर कितना है, इसको कहते हैं आर्थिक कारक। और गैर आर्थिक में किसको कह रहा है, पर्यावरण, प्रदूषण, कानून व्यवस्था कैसी है उस देश की, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो गाइज होता क्या है, जो जीडीपी है ना गाइज, जीडीपी को अक्सर हम लोगों के कल्याण के साथ जोड़ते हैं, क्या बोला मैंने, जीडीपी को अक्सर हम लोगों के कल्याण के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है, अब यहां मैं अगर वृद्धि बोल रहा हूं तो गाइस आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी जीडीपी की वृद्धि बोल रहा हूं, मैं मौद्रिक वाली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक वाली की बात कर रहा हूं, क्योंकि गाइस जब वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होती है तभी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, जिससे लोगों का कल्याण होता है। लोगों का अगर कल्याण होगा, जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो गाइस रोजगार का स्तर बढ़ता है, ठीक है, उत्पादन बढ़ता है,
रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो भैया लोगों को काम धंधा मिलेगा, लोगों की इनकम होगी, लोगों की इनकम होगी तो भैया मांग करेंगे, वो मांग करेंगे तो भैया निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी तो भैया निवेश का ऊंचा स्तर होगा, और ऐसे ही ये जो चक्र चलता रहता है। तो गाइस होता क्या है, जीडीपी में जो वृद्धि है उसको लोगों के कल्याण के साथ जो है जोड़ा जाता है, ठीक है कि भाई अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो ही लोगों का कल्याण हो रहा है। लेकिन गाइस कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जिसको कह रहे हैं जीडीपी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से जीडीपी को जो है आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। गाइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको घोल कर पी जाना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर में से मैं आपको पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ 100% कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आना ही आना है, और ये जो फोर्थ वाला है ये तो आपको घोल कर ले जाना है और ऊपर वाली जेब में रखना है, भायता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में ये भी इंडिविजुअली आ जाता है। तो आखिर जीडीपी को जो है आर्थिक कल्याण का सूचक क्यों नहीं माना जाता है, क्यों सही नहीं समझा जाता? तो गाइस सबसे पहले कह रहा है जीडीपी का वितरण। जीडीपी का वितरण का क्या मतलब होता है गाइस? गाइस जीडीपी का वितरण ये मतलब होता है कि आप जानते ही हो कि इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, एक रिच रहता है एक पुअर रहता है, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। एक डॉक्टर जो है एक घंटे में 1,00,000 रुपए छाप रहा है, और भैया कुछ तो ऐसे जिनकी साल की इनकम 1,000 नहीं है, पैकेज ही 1,00,000 का नहीं है। तो गाइस इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आय की असमानता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है गाइस, जिसकी वजह से धनी और निर्धन इसके बीच में अंतर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गाइस जब जीडीपी में इंक्रीमेंट होती है तो इससे क्या होता है, धनी और धनी होता रहता है और निर्धन होता रहता है, जिसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट यही है कि अभी कह रहा है इंडिया जो है ना अभी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इंडिया के अंदर इनकम इनक्वालिटीज है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, वो भी वास्तविक वाली, प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि हो रही है, लेकिन गाइस फिर भी लोग भुखमरी वगैरह इन सब रोजाना के हमारे को जो है न्यूज वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इनकम इनइक्वालिटीज की वजह से हो रहा है। इसलिए सबसे पहला जो कॉजेज है कि जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, उसका जो पहला पॉइंट है वो है जीडीपी का वितरण, ठीक है जी। अच्छा कोई भी इंडिविजुअली गाइज 3 नंबर में आ जाता है और बाहेता है 6 नंबर में भी आ जाता है। अब है जीडीपी की संरचना। गाइज जीडीपी की संरचना का क्या मतलब है, गाइज जीडीपी की संरचना का ये मतलब है कि रचना भी कह सकते हो, गाइस रचना आएगा यहाँ पे, संरचना नहीं आएगा यार, रचना आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जीडीपी की रचना का क्या मतलब है, गाइस जीडीपी की हमने बोले हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में जब वृद्धि होती है ना तो लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है, ये कह रहे हैं हम। गाइस अब वस्तुओं में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कौन सी वस्तुओं में हो रही है? गाइस मान लीजिए, अगर मान लीजिए वस्तुएं दो तरीके की ले लीजिए, एक होते हैं वॉर गुड्स, एक होते हैं नॉन वॉर गुड्स। वॉर गुड्स कौन से, मतलब गोला बम बारूद जो युद्ध वगैरह में काम आते हैं, और नॉन वॉर जो युद्ध वगैरह में काम नहीं आते हैं। तो गाइज अगर वॉर वाले में इंक्रीमेंट हो रही है, गोला बम बारूद में, तो उससे क्या लोगों के कल्याण में सूची लोगों का कल्याण में वृद्धि होगी? नहीं गाइज, उससे लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली हमें सेफ्टी तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उससे हमारे कल्याण में कोई भी वृद्धि नहीं होती है गाइज। जीडीपी, इसलिए जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सही सूचक नहीं माना जाता गाइज। अच्छा ठीक है, वास्तविक वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन वो किन वस्तुओं के कारण बढ़ रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गाइज। अगर वो उन वस्तुओं के वजह से बढ़ रही है जिसको हम कंज्यूम करते हैं तो वेल एंड गुड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उन वस्तुओं की वजह से जीडीपी बढ़ रही है जिसको उपभोक्ता यूज ही नहीं करता, तो भैया फिर तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हाँ इनडायरेक्टली वो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन गाइज डायरेक्टली जो है उसका हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं है जिसको हम यूज ही नहीं करते। तो दूसरा ये रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सही सूचक नहीं माना जाता है। तीसरा है गाइज गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन का क्या मतलब होता है गाइज, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है गाइज, कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष लेन देन, उसको जो है गाइज वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब जब पैसे नहीं हुआ करते थे तब लोग ऐसा करते थे। देखो गाइज जीडीपी में इसकी कोई भी बात नहीं होती है, जीडीपी जो है गैर मौद्रिक लेन देनों को इंक्लूड नहीं करता है। ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन जीडीपी कह रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसलिए तीसरा ये इसका रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी आर्थिक कल्याण का सही सूचक जो है वो नहीं है। और लास्ट सबसे खतरनाक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है बाह्यताएं। गाइस बाह्यताएं क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज।
एक्सटर्नल आईटीज के बारे में अगर सबसे पहले तो वन मार्क का आ जाए तो आपको ये लिखना है कि भाई बाह्यताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के उस किसी आर्थिक क्रिया के उस अच्छे और बुरे प्रभाव से है जो बिना कीमत दिए या बिना दंड के की जाती है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लीजिए मेरी बकवास को, कि एक्सटर्नल आइटिस क्या है, बाह्यताएं क्या होती है। कह रहे बाह्यताएं का मतलब किसी आर्थिक क्रिया के, क्या बोला उसने, किसी आर्थिक क्रिया के। आर्थिक क्रिया कह रहे दो तरीके की, कह रहे या तो बिना पे, विदाउट पे, ठीक है, नो पेमेंट, एक तो बिना कीमत और बिना दंड के, इसके जो इसके द्वारा जो की जा रही है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन है, बुक में जितना लिखा हुआ है आपको पूरा का पूरा घोल कर पी जाना है। और कहते हैं विद उदाहरण, एग्जांपल से बताना है कितने प्रकार का होता है, या कभी कभार वो खुद ही लिख देता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का क्या मतलब होता है गाइस, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ये वाला नो पे वाला। भाई मान लीजिए एक मिस्टर एक्स का बगीचा है, एक मिस्टर वाई का बगीचा है। कह रहा है मिस्टर एक्स ने अपने बगीचे में कुछ काम किया और मिस्टर उससे मिस्टर वाई को भी फायदा हो रहा है, लेकिन मिस्टर वाई ने इसके लिए कोई भी पे नहीं करा। ठीक है, मान लीजिए इसने अपने बगीचे में जो है कुछ भी काम करा दिया, ठीक है, तो इससे इसका बगीचे में भी इससे कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन पे ये करेगा उसका फायदा इसका भी होगा। लेकिन कह रहा है इस जीडीपी क्या करता है, जीडीपी इस चीज को इंक्लूड नहीं करता, इसको कहते हैं पॉजिटिव। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, मान लो एक इसकी इंडस्ट्री और भी कई तरीके की इंडस्ट्री है, तो गाइस वो क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो गाइस हम किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, किसी को भी दंड नहीं दे सकते कि भाई के जो भी आज इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो गाइस ये दोनों की दोनों चीजें जीडीपी के आंकलन में शामिल नहीं होती है, जिसकी वजह से माना जाता है। ये चारों के चारों पॉइंट, सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट बाह्यताएं है, ठीक है, जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स का विद उदाहरण आपसे पूछ लेता है, पूरा का पूरा बुक में घोल कर आपको पी जाना है। ठीक है, अगर बाह्यताएं नहीं आता तो इसमें से कोई सा भी 3 मार्क का आपसे पूछ लेता है, या कभी कभार ये पूरा का पूरा ही आ जाता है 6 नंबर में, कि जीडीपी को आर्थिक कल्याण का सूचक क्यों नहीं माना जाता है। तो गाइज ये पूरा आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में भी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और भैया चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके लिए आने वाली जितनी भी रिविजन वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए मिस ना हो जाए। और शेयर करना ना भूलिएगा भैया, जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हो रही है, वो दिक्कत वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, लाइक करना भूल जाओ, कमेंट करना भूल जाओ, लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर टाइम मिले, इतने में 50 मिनट तो मेरे लिए खराब कर ही लिए हैं, तो भैया टाइम मिले तो 1 मिनट खराब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर किया कीजिए, इससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता है, मैं आप भैया मोटिवेट होता हूँ, तभी आपके लिए जो है मैं वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया कीजिए, अच्छी लगे बुरी लगे कैसी भी लगे, डिसलाइक कर दे करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजन जरूर बताया करो कि मैंने इसलिए डिसलाइक किया है, मेरे ये कितनी ऊपर से गया है, बस इतना काम कर दे करो। और जो नेक्स्ट वीडियो है गाइस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा, आने वाली 3-4 वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, कि कैसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होते हैं जो बच्चों की दुखती नफ्स से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।